कैसे है ना, मेरा बाउल भी पिंक है एंड ईयरबड भी पिंक है। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इट्स न्यू डे न्यू वीडियो। सो अभी मैं पी रही हूँ पानी, वार्म वाटर, एंड फिर उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, जो कि दिखाऊंगी आप लोगों को। दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, कमेंट करो तो नहीं बोल सकती क्योंकि आप लोग कहते हो नहीं, दिखा दूंगी है ना। तो या ग्रीक योगर्ट है जिसमें मैं बना रही हूँ चिया पुडिंग। और कहीं अगर आप इसको एज अ डेजर्ट भी लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो, बिकॉज इट्स गुड, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा आपको। सो दैट ये अभी मैं ऐड कर रही हूँ चिया सीड, जो कि मैंने कल रात को ही भिगो के रख दिया था। और इसमें अभी मैं डालूंगी फ्रूट्स, ठीक है ना, मेरा बाउल भी पिंक है एंड ईयरबड भी पिंक है। एक्चुअली आजकल ना मैं थोड़ा कलरफुल खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना मेरा मानना ये है कि जितना आप कलरफुल खाओगे ना तो दैट आपकी लाइफ में भी उतना ही कलरफुल होगा। तो इसीलिए ये मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी वाला, तो इसीलिए मैं स्ट्रॉबेरी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि चिया सीड ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और आपकी खास करके आप अगर वेट लॉस जर्नी में हो तो देन ऑब्वियसली बहुत ती अच्छा है। तो अभी मैं इसमें यस मिक्स हो गया। अब मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल, और अभी मैं ऐड करूँगी क्रेप्स जिसमें कि ब्लैक एंड ग्रीन दोनों हैं, और इसमें डालूँगी बनाना भी, ये इलायची बनाना है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल मैं ना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव हो गई हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना अच्छा लगता है एंड रखना भी चाहिए, क्योंकि इट्स सिंपल इज दैट कि देखो जितना आप अपने लिए करोगे ना देन दैट इज़ गुड, क्योंकि आप जितना अपने लिए कर सकते हो। लेट्स हैव इट, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, मैंने बोला ना अगर आप लोगों को डेजर्ट की क्रेविंग होती है जिससे आफ्टर फूड, मेरे को तो नहीं होती, मैं कभी भी खाना के बाद मीठा नहीं खाती, दैट इज माई चॉइस, मैं बचपन से ऐसा नहीं करती। लेकिन या इंडिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आप खाना खाते हो फिर डेजर्ट में कुछ ना कुछ तो भी मीठा चाहिए रहता है, और ख़ास करके जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो ना, इतना क्रेविंग होता है ना मीठा का, क्योंकि हर कोई बताएगा नहीं देखो क्या चीज़ होता है क्या नहीं है, लेकिन मैं बताऊँगी क्योंकि यह ऑब्वियसली होता है, हम ह्यूमंस हैं एंड हमने वो चीज़ बचपन से करी है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को एक ही बार कटअप नहीं कर सकते हैं ना। तो आप ये बना के खाओगे ना दैट आपका क्रेविंग टोटली बंद, अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके यस,
लंच की तैयारी थी, इसमें बना रही हूँ टेंगली की सब्जी। आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। हमारे शहर में इसको बोलते हैं टेंगली। और अभी आप लोग पूछोगे कि आपका शहर कौन सा है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा शहर है मुंबई। कोई आ गया लगता है। और ये रहा आज का मेरा लंच, और ये रही मैं। और पता है क्या हो गया, मैं ना सब्जी बना रही थी टेंडली की, और क्या हो गया मेरे साथ कि मेरे को सडनली याद आया, क्योंकि मेरे पास कल की सब्जी बची हुई थी तो, और मेरे को रहा भी नहीं जा रहा था, और कौन के थोड़ी देर बाद रुकी और फिर चावल लिया, तो मेरे को सडनली भूख लगी, दाल चावल बनना था, तो मैंने वही कल वाली सब्जी को अभी खा रही हूँ, और जो टेंडली काट रही थी उसको काट के रख दिया, मैं बनाऊँगी डिनर के लिए। डिनर में देखती हूँ कुछ अलग बनाना है, तो शायद मैं वो कल बनाऊँगी। तो अभी खा रहे हो राइस, दाल और सब्जी और सलाद भी है। सो अभी मैं कर रही हूँ डिनर, और आज डिनर में है चिकन ब्रेस्ट और विथ सलाद। तो ओह माय गॉड, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ना प्रोटीन का बहुत कम ले रही हूँ, क्योंकि प्रोटीन इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि आई कैन नॉट डाइजेस्ट, क्योंकि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो दैट्स वाई। तो अभी धीरे धीरे करके उस चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। तो या ओह माय गॉड, खाते खाते भी स्टाइल पहनना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा लगना तो बनता है ना। और या मैं कर रही हूँ जो, क्योंकि मुझे चोइंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसी चक्कर में मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। तो यस, आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल के दिन में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, एंड या कमेंट करना ना भूले। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, या जैसे प्यार देते हो यार, एंड ऐसे देख के चले मत जाया करो, कुछ भी बोला करो, चाहे अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है, कुछ तो भी लग रहा है बोला करो। तो यस, बाय, लव यू ऑल।